वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में अब देखना ये है कि कौन बनेगा ग्राम प्रधान, कौन बनेगा जिला पंचायत सदस्य और कौन बीडीसी सदस्य। जहां कोरोना कर्फ्यू के बीच तृतीय पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना स्थल का जायजा लेने एसपी यमुनापार सौरभ दीक्षित पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है उन्हें मतगणना स्थल के अंदर नहीं आने दिया जाएगा और जो लोग मास्क और गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे उनको वार्निंग दी जाएगी और उसके बाद बाहर कर दिया जाएगा। पुलिस का पहला काम है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश की कड़ाई से पालन कराना। वहीं पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए मतगणना स्थल पर जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं कंटोनमेंट जोन में भी नियम की धज्जियां उड़ाते हुए लोग की भीड़ सड़क पर दिखाई दी। जहाँ मतगणना स्थल कोविड गाइडलाइंस के तहत मतगणना जारी की बात कही जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के दावे कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नियम और उल्लंघन करने वालों पर क्या मुकदमा दर्ज होगा। देखिए, आज 2 मई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हुए थे हमारे, उसकी मतगणना है और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं, जो कोविड-19 के गाइडलाइंस हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित कराना ही पुलिस की पहली जिम्मेदारी है और सभी मतगणना स्थलों पर इसका अनुपालन कराया जा रहा है। जो लोग भी इस गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, यदि उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है उनके पास या उनका ऑक्सीमीटर या टेम्परेचर लेकर के देखा जाता है तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा मतगणना स्थल पर। मतगणना स्थल में प्रवेश कर लेने के बाद जो लोग भी मास्क वगैरह नहीं लगाते हैं या सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हैं उन्हें एक बार चेतावनी दी जाएगी। दूसरी बार रिपीट करने पर उन्हें मतगणना स्थल के बाहर जाने के लिए हिदायत की जाएगी। सर, ठीक सामने कंटेनमेंट जोन है और यहाँ पे अभी हम लोग उधर ही थे, जिस तरीके वहाँ भीड़ लगी है, बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, ये बड़ी लापरवाही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इस समय पे धारा 144 भी लागू है और किसी प्रकार से भीड़भाड़ कहीं पर भी नहीं होने दी जाएगी। हमारा पुलिस फोर्स न सिर्फ मतगणना स्थल पर बल्कि उसके बाहर आउटर कॉर्डन पर भी ड्यूटियां कर रहा है और ये सर्वोच्च प्राथमिकता है कि कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुपालन कराया जाए और जो भी कंटेनमेंट जोन है वहाँ किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं परमिट की जाएगी और इस ऐसी कोई भी सूचना आती है तो उस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। मतगणना केंद्र में लोग लापरवाही कर रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह कार्रवाई होगी? सभी को देखिए, ये जो कोरोना महामारी है इससे लड़ने की सबकी जिम्मेदारी है। जो यहाँ मतदान कर्मी लगे हैं उनकी भी काउंसलिंग ब्रीफिंग की जा रही है कि उनके क्या जिम्मेदारियाँ हैं इसमें ताकि संक्रमण ना फैले, उसे भली भांति समझ रहे हैं और जो लोग भी इसमें लापरवाही करेंगे उनकी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी प्रशासन को। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।